हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ी पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा हरा प्याज और हरा लहसुन मैंने अपने यही गमले में लगाया हुआ था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकल आया, तो मैं तो उसको तोड़ लाई हूँ। और चार पांच मैंने प्याज ली है, तीन चार हरी मिर्च हैं। मैं इन सबको एक साथ में मिला दूंगी बेसन में। दोस्तों, आप हरा प्याज और हरा लहसुन थोड़ा सा काट के अगर पकौड़े में डालते हैं ना, तो उसका स्वाद दो गुना बढ़ जाता है। स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसका। और अगर इसकी कढ़ी मिल जाए बनी बनाई, तो फिर बात ही क्या है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ इसकी कढ़ी। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। ये बस मैंने बगल में मेरी कॉफ़ी रखी है, मैं कॉफ़ी भी पीते जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें डाला स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। पहले मैं इतना ही बेसन डाल के मिलाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और बेसन डालूंगी। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से मसल मसल के मीस लेंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने प्याज काटी है उसको अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, उसके लच्छे ना अलग हो जाने चाहिए। इस तरीके से इसको मिलाएंगे अच्छे से। और जो हरा प्याज हरा लहसुन है वो तो मेल्ट ही हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा उसमें। और बस इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे, क्योंकि हमारी प्याज अभी सही से मिक्स नहीं हुई है, तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब बेसन और डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, इसको मिला के हम इसको अलग रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको रेस्ट करने के लिए, ताकि ये फूल जाएगा। अब उसके बाद हम अपनी कढ़ी का घोल बनाते हैं। तो कढ़ी का घोल बनाने के लिए मैंने ये अमूल का छाछ लिया है। ये छाछ बहुत अच्छा होता है खाने में। अगर आपको खटास चाहिए तो थोड़ा पुराना लें, 2-3 दिन वाला रखा हुआ। ताज़ा चाहिए तो आप उसी दिन कर लें डेट देख के। ताज़ा में खटास नहीं होती, तो मुझे थोड़ा खटास चाहिए थी, तो मैं 1-2 दिन पहले ले आई थी इसको, रख लिया था फ्रिज में, आज इसको यूज कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने इसमें 4 चम्मच बेसन लिया है। बस इतना बेसन हम 3-4 लोगों के लिए कढ़ी आराम से बन जाएगी, बहुत है इतना बेसन। तो चलिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी जो बेसन की जो हल्की फुल्की गांठें हैं वो अच्छे से मिल जाए इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, उसको मिला लेंगे अच्छे से। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, अभी हल्दी ही डालेंगे बस। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। और ये वाला जो हमारा मट्ठा है इसको भी इसमें मिला देंगे। देखिए, हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया, इसकी सारी गांठें जो है ख़त्म हो गई हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से पानी मिला देंगे इसमें थोड़ा सा। अब उसके बाद हम रखेंगे कढ़ाई, और इसमें हम कोई तड़का नहीं लगाएंगे, ऐसे ही इसको अच्छे से जब तक ये खोलने लगने लगती तब तक इसको चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर हम कढ़ी चलाएंगे नहीं ना, तो ये जो बेस मट्ठा होता है ना वो फट जा सकता है। तो कढ़ी चलाना बहुत ज़रूरी है, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। अभी आपको ऐसा कलर लग रहा है, थोड़ा सा ये गर्म होगी जब, तो इसका कलर ना चेंज हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, हल्दी का कलर इसमें निकल आएगा। ये देखिए, हो गया येलो कलर का, हल्दी का कलर इसमें आ गया है। तो थोड़ा सा चलाने के बाद हल्दी का कलर अपना दिखा देती है। तो अब इसको, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है लेकिन अभी खोल नहीं रही है, तो इसको हम और थोड़ी देर चलाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से खोलने लगी है। अब इसको हम दूसरी तरफ रख देंगे, और इस तरफ हम अपनी छोटी सी कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम अपनी पकौड़ियाँ निकालेंगे। तब तक हमारी कढ़ी उधर पक रही है। तो चलिए, मैं पकौड़ियाँ निकालने के लिए मैंने सरसों के तेल का यूज किया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। देखिए, कढ़ी हमारी कितने अच्छे से खोल रही है। जब ये इतनी कड़ी है हमारी, जब ये आधी रह जाएगी तब इस ये पक चुकेगी। मैं आपको बताऊंगी इसका ट्रिक कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी कड़ी पकी है या नहीं।
तो चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पकोड़े बना लेते हैं। ये देखिए ये पकोड़े आप ऐसे भी तल के खरे खरे तल लीजिए, लाल लाल से खूब बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी, और चटनी के साथ आप इसको खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं ये पकोड़े। लेकिन मैं कढ़ी के लिए बना रही हूँ, मेरे यहाँ सबको ऐसी कढ़ी बहुत पसंद है। ये देखिए इनको अच्छे से तल लेंगे, मैं इनको बिल्कुल अच्छे से तलूंगी, लाल लाल खर करके तलूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही निकाल लूँ, अच्छे से तल के निकालूँ, क्योंकि ये कढ़ी में बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से लाल लाल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, तब हम इनको निकालेंगे। अब इनको एक साइड से ये पक चुके हैं, इनको पलट देते हैं। ये देखिए इनको अच्छे से पलट देंगे, ये छोटी छोटी कढ़ाइयों में ये काम बहुत आसान हो जाता है। पकौड़ी हैं जैसे, और पूड़ियाँ बनानी हुई तो इसमें थोड़ा सा तेल डालिए और काम हो जाता है उतने में ही, और बड़ी कढ़ाई होती है तो उसमें ज़्यादा तेल भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो देखिए एक तरफ हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, अभी ये बहुत पतली है, गाढ़ी है, लेकिन अभी इसको और पकाएंगे हम। अब इसको हम ये देखिए और चला लेते हैं, पलट लेते हैं फिर से, ये पकौड़े हमारे पक गए हैं अच्छे से, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये पकौड़े। ये इनको हम निकाल लेते हैं बाहर, ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं ये, आप चाहें तो ऐसे भी खा लें। ये देखिए एकदम लाल लाल से मैंने भूंजे हैं इनको, और ये हम और थोड़े पकौड़े निकाल लेते हैं, बस दो बार में ही मेरे पकौड़े बन गए थे, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, इतने बहुत हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से पकौड़े बन गए हैं, आप इनको टमाटर की चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी जो है वो पक रही है, इसको अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये पकौड़े, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद ना ये पकौड़े भी इस कढ़ी को अब्सॉर्ब करेंगे, तो ये कढ़ी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको अच्छे से पकौड़े डाल के पका देंगे। दोस्तों मैंने नमक वाला नमक का जो स्किप हो गया था वीडियो, तो नमक डालना मत भूलिएगा आप लोग, नमक ज़रूर डालिएगा स्वाद अनुसार। तो चलिए मैं बना लेती हूँ तब तक थोड़े से चावल। तो मैंने ये चावल ले लिए हैं, एक तरफ आटा लगा के मैंने रख दिया है, ये रात का डिनर बना रही हूँ मैं। तो इसमें हम इसको चावल को धुल के ले आए हैं, अब इसमें हम पानी रख देंगे, और मैं चावल का पानी ऐसे ही उंगलियों से नाप के रखती हूँ ताकि चावल हमारे खिले खिले बने अच्छे से। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी और दो सीटी लगाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे ही रख देंगे, ये अपने भाप में ही पक जाएंगे अच्छे से। ये देखिए कढ़ी हमारी, अब मैं बताती हूँ आपको कढ़ी कैसे पकने का तरीका, आप कैसे पता लगाएंगे। आप ऐसे चमचा रखिए, अगर चमचा आपका डूब जाता है तो समझिए कढ़ी हमारी अभी पकी नहीं है, और अगर चमचा ऐसे रखा है डूबता नहीं है तो आप समझ लीजिए कढ़ी हमारी पक चुकी है। ये कढ़ी पकने ना पकने का तरीका पता लगाने का तरीका बहुत अच्छा है, और अगर आप खुद आजमाइएगा, अगर आप चमचा आपका डूब जाता है तो इसका मतलब कढ़ी नहीं पकी है, अगर पकी होगी तो चमचा नहीं डूबेगा, ऐसे ही ऊपर रखा रहेगा। तो चलिए अब हम इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो तड़का के लिए मैंने थोड़े से मेथी दाने लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे 4-5 सूखी लाल मिर्च, और ये करी हींग है 2 चुटकी, ये हमारे करी पत्ते हैं, ये नीचे नीचे की मैं जो सूख रहे थे वही तोड़ लाई थी, छोटे छोटे हैं इसीलिए। थोड़ी सी इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। तो ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है, हम इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे क्योंकि वरना मिर्च हमारी जो हमने डाली है वो जल जाएगी, कश्मीरी लाल मिर्च हमारी जल सकती है, तो ज़्यादा देर नहीं हम इसको चढ़ाएंगे। अभी हमारा तड़का तैयार, देखिए कढ़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, इसकी रंगत देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, ये कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए दोस्तों है ना, बनी है ना एकदम यमी यमी, तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है कढ़ी। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।